जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों, देश के भारतीय नौसेना के जवानों की तरफ से दुखद खबर सामने बिहार के गया जिले से निकलकर आ रहे हैं। बिहार के गया जिला का नौसेना का जवान पंकज कुमार देश की रक्षा करते हुए अंडमान निकोबार में शहीद हो गए हैं। शहादत की सूचना घर पर पहुंचते ही पूरे घर पर मातम पसरा हुआ है। पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ा है। बताया जा रहा है कि शहीद जवान का पार्थिव शरीर कल उनके पैतृक आवास पर लाया जाएगा, जहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ सशस्त्र सलामी देकर शहीद जवान का अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद जवान पंकज कुमार बताया जा रहा है कि मूल रूप से बिहार के गया जिला के टेनकुप्पा प्रखंड के गजहादरपुर पंचायत के मानकपुर गांव के रहने वाले थे। यह जवान देश की सेवा देते हुए अंडमान के निकोबार में ऑन ड्यूटी के दौरान समुद्र में डूबने से यह जवान शहीद हो गए थे। शहीद जवान का शव को खोजने के लिए NDRF, SDRF एवं नेवी के जवान सभी को खोज की तलाश कर रहे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि शहीद जवान का शाम का इनका पार्थिव शरीर को खोज लिया गया है। शहीद जवान का कल इनके पार्थिव शरीर पैतृक आवास पर लाया जाएगा, जहाँ पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ सशस्त्र सलामी देकर शहीद जवान का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि शहीद जवान पंकज कुमार 2 वर्ष पहले ही 2020 में इंडियन नेवी के कोस्ट गार्ड में भर्ती हुए थे और यह जवान देश की सेवा देते हुए अंडमान निकोबार में शहीद हो गए हैं। शहादत की सूचना घर पर पहुंचते ही पूरे घर पर मातम पसरा हुआ है। पूरे परिवार परिजनों को रो रोकर हालत बेहद ही बिगड़ चुकी है। बताया जा रहा है कि शहीद जवान पंकज कुमार के 3 भाई थे। तीनों भाई में इकलौता भाई जो देश की सेवा दे रहे थे। इंडियन नेवी में शामिल होकर कोस्ट गार्ड में यह जवान देश की सेवा देते हुए बताया जा रहा है कि अंडमान निकोबार में शहीद हो गए हैं। शहीद जवान के शहीद होने की सूचना जैसे ही इनके परिजनों को दिए गए तो पूरे घर पर मातम पसरा हुआ है। कल शहीद जवान का पूरे राजकीय सम्मान के साथ सशस्त्र सलामी देकर शहीद जवान का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वाकई में दोस्तों, जब कोई फौजी देश के लिए शहीद होते हैं तो दिल नहीं आत्मा भी तड़प तड़प कर रोते हैं। अगर शहीद जवान पंकज कुमार के लिए आप लोग को जरा सा भी रिस्पेक्ट हुआ तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि शहीद जवान के अंतिम यात्रा में हजारों दस हजारों जन